वह बैठा है बहुत ज्यादा नियम लगा रहे हैं, बहुत कष्टाई कर रहे हैं, तो फिर अन इतनी कष्टाई है पेपर पर रखनी चाहिए, अन पेपर लीक नहीं होने देना चाहिए। छोटे से अपना घर हूँ, एक कील भी आउट हो तो अपने यहाँ ध्यान लग जाएगी कौन ले जा सके, तो पेपर तो बहुत बड़ी सुरक्षा में आगे निगरानी पुलिस वगैरह सारा काम होता होगा, फिर भी पेपर आउट कराऊँ तो एक आदमी की बात को नहीं, टोटल की मिली भगत है, और यह मिली भगत शायद यहाँ लगे कि यहीं चले तो दूर हो भी कौन सके, इसलिए हर आदमी ने स्वरोजगार खोजना पड़ेगा और वो खोज लेगा ठीक रहेगा। तहजीब भी बिकती है यहाँ, फरमान भी बिकते हैं, तुम दाम तो लगाओ यहाँ ईमान भी बिकते हैं। राम राम जी। जलको झुंझुनू का सगला दर्शकान अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू के कुछ बच्चा से मिलने के लिए, जहाँ आप बात करा कि राजस्थान पुलिस को पेपर हो 14 तारीख ने, काफ़ी बच्चा को आफा भी जाए, आपको इंटरव्यू लियो हो, काफ़ी बच्चा को शानदार पेपर हो, बढ़िया पेपर आए हो, कुछ जयपुर से उरो जाए पेपर देने के लिए भी आया, झुंझुनू का जगह बच्चा है कुछ हनुमानगढ़ है जयपुर जाए पेपर देने गया है। अब जो खबर ये आ रही है कि 14 तारीख के शाम को जो पेपर हो वो लीक हो गो है, वो जो पेपर है वो दोबारा होगो, तो टाबरा के अंदर कितनों के रोष है, कितनी मन तकलीफ हो रही है, कितनी बार का परेशानी है, बस आप बातचीत कराऊंगा वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम 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 राम। तो जो 14 तारीख ने बता रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हो गया, तो थारो भी विधि नहीं हो गए? हाँ, मेरे 14 तारीख ने शाम को कड़े लागे पेपर जयपुर लागे। कितनों किराया लागे हो? किराया तो के रोडवेज फ्रीज रोडवेज में गया, रोडवेज में आप रोडवेज वाले की या दिक्कत भी नहीं आप कवर करी कि तरीके से बच्चा ने कहेगी भेड़ बकरिया की तरह बन घुसा के अंदर गया है, तो बिल्कुल सीट के ऊपर बैठ के गया, फिर परेशानी हुई नहीं लटक के गया, यहाँ सीट थोड़ी मिल गई। अपने बताओ कि लटक की थे पेपर देने गया, वो पेपर जो है वो लीक हो गया दोबारा हो गया, कितों के दुख हो रहे? देखो लटक की गया बात तुम्हारे कोई दिक्कत को नहीं, पर किया गया मैं तैयारी करी भाई, अब वो फिर वो पेपर जब लीक हो जाए ना जब अठमन में ठेस पहुंचा बहुत ज्यादा, मैं एक पेपर तो 14 शाम का दियो एक 15 दियो, दोनों मेरा बहुत बढ़िया स्कोर आ 120 का आसपास और एक में 110 का आसपास मेरा स्कोर हो, फिर मेरी मतलब यह उम्मीद ही गई मेरे भाई पहले पेपर में हो जाएगा सिलेक्शन, पर लास्ट में मैं इतना खुश हो भी बाद में जितो खुश हो भी से ज़्यादा मन दुखी जद हुई जब मैंने आज सुबह बार रिपोर्ट मिली कि भाई थारो पेपर कैंसिल हो गए, जब मैं बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची मन में, पर केकर्स का आप सरकार है, आप देखो कि 20 से पहले भी एक बार पहले रीट को पेपर लीक करो, और 20 से पहले जब एक एक मिनट है ना जब मतलब 8 बजे अगर जानो में बंद होना है तो भाई 8 की एक मिनट भी कौन करें, और लास्ट में कई अभ्यर्थी इन जगह की कांडवंश बारह रह जाएं फिर भी बाकी सुना को नहीं भाई बैठा है, बहुत ज़्यादा नियम लगा रहे हैं, बहुत कष्टाई कर रहे हैं, तो फिर अन इतनी कष्टाई है पेपर पर रखनी चाहिए, अन पेपर लीक नहीं होने देना चाहिए। मैं बात करा कि अगर 9 बजे को पेपर हुआ तो 8:30 तक एंट्री बंद हो जाए, 8:31 के ऊपर भी जाए एक मिनट भी अगर कोई बच्चों लेट हुआ है, आपा भी देखियो सोशल मीडिया के माध्यम से आपा देखियो कि कई कई बच्चा का जगह 2-4 मिनट लेट होगा, वह काफ़ी रो रही विनती कर रही कि भाई बहन जान देना चाहिए, तो सरकार को ये खड़ा होगी अगर एक मिनट भी कोई बच्चों लेट हो जाए तो भी किसी की जिम्मेदारी है वह बच्चे की है, अब जहाँ पेपर लीक होगा तो दोबारा पेपर हो जाएगा लेकिन भी की जिम्मेदारी कौन लेगा, भी की सज़ा किन मिलेगी, अगर पेपर एक मिनट से बच्चों लेट हो जाए तो भी की सज़ा भी नहीं मिलेगी, वो पेपर कौन दे पावा, अब पेपर लीक होगा तो की सज़ा किन मिलनी चाहिए, अब इसकी सजा माने मिल सी भाई और कह भी किन से कहा, 20 लेट हो जाए तो भी सजा टाबर नहीं और पेपर लीक हो जाए तो भी सजा टाबर नहीं, तो देख लो थारे सामने अब थान मेरा पेपर हुआ कोई नहीं, और उसी तो अब के ब्रो कद उसी 20 से पहले रीट को पेपर लीक हो अभी तक कोई बेरो नहीं है कद होगा कद नहीं होगा। पेपर क्या तारीख ना हो? 14 तारीख नहीं, इवनिंग में हो मेरा पेपर, इवनिंग में पेपर हो तो के लगा है, अगर पहले हो तो ठीक रहता है, फिर जहाँ शाम की हो तो ठीक हो? शाम के पेपर तो ठीक हो मेरा, 126 प्लस सही है, अपना लगातार तैयारी करी है, परेशान भी हो गए जबकि मैं खुद नए के रोडवेज में लॉग शाम गए थो, फिर भी पेपर जब 2:30-2:31 होता है बटे परेशानी हुई, फिर बढ़ जा कि पेपर जो जब तक तो ठीक तो बाहर निकलो जब तक ठीक तो, पर कल शाम को जो न्यूज़ आई थी ना कि अभी पेपर लीक हो गयो, उसके बाद में परेशानी परेशानी है कि इतना बढ़िया पेपर होगा लीक हो गया, अब वापस पेपर होगा तो वो मन पता है कितना दूर होगा, जबकि हर बार पेपर लीक हुआ है इन सरकार के कारण हर बार परेशानी मानो उठानी पड़े। मेन चीज़ ये है कि अभी अगली बार आप पेपर देंगा तो वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भी को नहीं होगा, मेंटली आप डिस्टर्ब भी एक वजह से हो यहाँ, अब जब दोबारा पेपर दें तो भी चीज़ की भी गारंटी को नहीं होगी पेपर लीक होगा नहीं होगा, तो भी को अपने जिंदगी ऊपर कितों के असर पड़ेगा? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि अब जब ये पेपर अगर दोबारा होगा तो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होगा और जो लेवल है वो भी मतलब जी लेवल हार्ड लेवल आओगे, जबकि 2 लाख बंदा को पेपर दोबारा हो रहा है तो अब बंदा खुद ने पता अगर सेपरेट पेपर बन के आओगे तो वो कितनों तो हाई लेवल को आओगे और के से भी को प्रोसेस फॉर्म जब थे बरौदी को कितना रुपया लगे? 500 रुपये लगे थे फॉर्म, 500 रुपये लगे हाँ, तो जहाँ अगर आप सरकार ने कहा कि 300 रुपये ले लो तो वे मान जाएंगे? नहीं सर, सरकार यह चीज़ मानती तो अभी जो बच्चा है कितना बेरोजगार है, अभी 2 सालों कोई वैकेंसी बना रही है, अभी इतना करके वो करें तो सरकार यह चीज़ कदे कौन मान सके कि सरकार यह चीज़ कौन माने नहीं मान सके। मैंने बताओ कि जो किराया लागे जो परेशानी हुई है कट लगे तेरा पेपर? मेरा जयपुर जोटवाड़ा, जयपुर जोटवाड़ा। अपने बताओ कि जयपुर से पेपर देने गया तो किराया भी लागे, टैक्सी को किराया भी लागे, खानों खर्चों भी लागे, वो कौन भरा? वो मैं ही भर रहे हैं, अभी सरकार भरती तो वो सोल्यूशन हो जाता, अब तक कोई सोल्यूशन होगा नहीं, बच्चा खुद भर ला रहे हैं, खुद इतना परेशान है जबकि नाइट में जाके भर रुक गया,
और सेंटर के आगे भी जाए पुलिस या प्रशासन आके इतनी वो हो रही थी कि हर दो पूछ के तो पूछ के भी साहब कोई तो आराम बात कौन कर रहे थो, सब अपना आप के चलाव ला रहा, सब सरकार के थ्रू सरकार करवा रही थी और काम एक हाथ बहुत परेशानी हुई पड़ जाना। तो टाबरा को ये कहना है कि जब 450 फीस हो तो भी 440 रुपया भी कौन ले जाएं, पूरा 450 रुपया ले जाएं, 10 रुपया भी कम कौन करे जाएं। अब जगह बचा के इतनी परेशानी हो रही है, वहाँ को इतना किराया बढ़ लगे है और पैसा भी खर्च हुआ है, आप इस जगह वो कौन वहन करा गो। जय आप वीडियोज के अंदर भी देखे हो कि किस हिसाब से जगह बच्ची भी रो रही है, बिलख रही है, 2 मिनट 5 मिनट लेट होने की वजह से वह पेपर कौन दे पाया है। अब जय आप देख रहे हैं कि ये पेपर लीक होगा है तो जाए कितनी की परेशानी हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब पापा जिन लेके साथ में गई तो वापस आने टाइम दोनों वक्त मतलब परेशानी हुई। एक महीने पेपर है, दोगो बहुत अच्छा पेपर हो की वजह से मुझे थाने के लगे कि ये पेपर लीक होने आजकल आप बात कर, आज से 5-6 साल पहले की कहानी है कि बहुत ही कम पेपर भी लीक होया करता, आज आप देख रहे हैं कि हर पेपर ही जो है वो लीक हुआ है। तो थाने के लगे कि पीछे अकेडमिक गड़की की जिम्मेदारी है, कठे चूक हो रही है तो बच्चन जगह अध्यापक जगह टीचर्स पढ़ाएं ही बन के चेहरे के ऊपर भी जगह दुख है, बिल्कुल देखे जा सके है जितनी मेहनत से वे पढ़ाएं भी बाद में जाए पेपर लीक हो जाए तो जाए टाबरा के ऊपर की रिएक्शन हो जाए थाना कितनी की तकलीफ हो है। देखो जब यह सूचना मिली है कि 14 तारीख की शाम की पारीख को जो पेपर है वो लीक हो गो, टाबर सफलतापूर्वक पेपर दियो मारूम बात भी करी कि गुजी 100-105 के प्लस मारो सिलेक्शन हो सके तो अच्छी तैयारी करवाई। और अब की बार मान लगे कि सरकार जो रीट को पेपर रद्द हुए भी का आधार पर शायद राजस्थान पुलिस में गड़बड़ी को नहीं होने देगी, लेकिन फिर काल शाम के अचानक सूचना हुए कि जो सेकंड पारी का पेपर हो वो रद्द होगो और 13 तारीख को जो फर्स्ट पारी को पहलो पेपर हो वो टाबरा नहीं दियो जाना हो बी के बाद में मार्केट में पेपर आ गो वो। हालांकि यूट्यूब चैनल अब इन सरल भी कराए है लेकिन फिर भी सरकार या कौन सोची कि पेपर आयो कठू है, कौन अभ्यर्थी है जो ये पेपर ने बारह लेके आए हैं और कौन से सेंटर में वो पेपर बार आयो है कि कोई भी सूचना अपन समाचार पत्र में कुछ नहीं। जब जबकि नियम यो हो कि कोई भी पेपर बारह नहीं लेके जाओ, फिर भी अगर बारह लेके नियम न तोड़े वो टाबर। अब बात यह है कि टाबर इतनी तैयारी करने के बाद में भी पिछले दिन आप देख रहे हैं कि जीएन की भर्ती पेपर आउट, राजस्थान एसआई पेपर आउट, रिट पेपर आउट, अब की बार थोड़ी सी एक मजबूत कानून बन सी पेपर आउट कम हो सी और मेजो मारी तैयारी कर रही है बिल्कुल 90% दे की सिलेक्शन ले सा। लेकिन टाबर फिर एक बात यही करें कि गुरु जी मान लगे कि लेब असिस्टेंट को भी आउट हो गो, राजस्थान एसआई को तो कन्फर्म ही आउट हो है। तो पढ़ाई में जाए ध्यान भी कौन कम दे पाऊँ और जहाँ एक एक बच्चा का जो है वो टीचर सबसे नज़दीक हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी टाइम करा है तो वहाँ को जो को दर्द है तकलीफ है थे ज़्यादा बेहतर समझ को तो जाए कितनों बाग का तकलीफ है टाइम। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ है, 2 दिनों फोन ही ये आ रहे हैं कि सर जी अब मैं क्या की तैयारी करा, मैं ये टाइम राजस्थान पुलिस को पेपर दे कि कन्फर्म हो रहा कि मैं दिल्ली पुलिस की LDC की तैयारी करनी चाहिए। अब मारा दिक्कत यह आ गई कि वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा, 1-2 महीनों को टाइम लगेगा, चलो खर्चो राजस्थान सरकार दे रही है निःशुल्क परिवहन की सेवा अपन देने लग रही है, फिर मैं कह रहे हैं कि ये 1.5 महीने के दौरान जो 6 पेपर पहली बना 6 पारियम, पहली बात तो मैं क्या समतुल्य पेपर कौन बनेगा, अगर हार्ड बनगो तो फिर मैं तैयारी क्यों करी और कमो कम 2.5 लाख बच्चा की दोबारा एग्जाम हो रही है, अगर पेपर सरल बनगो तो जो 4,000-4,500 वैकेंसी भाई ये ले रह जाएगा तो बाकी जो 5 पारी हैं बाकी भी दुख है बात को कि आने वाला पेपर अगर बराबर लेवल का नहीं आता इन 5 के तो 2 लाख में से 4,000 सिलेक्शन वहाँ से निकल जाएंगे तो फिर हमने तैयारी क्यों की। फिर मेन बात तो यह हुआ टाबर ने हर चीज़ कि गुरु जी तैयारी करा तो क्या आधार पर करा, पेपर आउट हो सी पेपर खरीदा तैयारी करा तो झारखंड मतलब ये है कि बच्चा के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल कम हो रहा है, बनाया लगा कि हर पेपर लीक होगा तो क्या पढ़ाई करा। अजी पढ़ाई की क्या करने की बात है, देखो सीधी सीधी बात करी जाए तो गार्जियन बहुत दुखी है। अब आप ये बच्चे की बात करें, 2 सिस्टर पेपर दे के आई, एक के साथ इसके पापा गए थे, एक के साथ इसके मामा जी के बच्चे को बुलाया था, दोनों को अलग अलग था। पापा का भी सुबह ही फोन आया था इसके सर पेपर देने के लिए गए, काम का टाइम था, ये हुआ हुआ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर इसको ऐसा ही करना है तो उन्हीं लोगों को चुनने जिनको इनको लेना है, हर आदमी को परेशान नहीं करें। अगर किसी भी संस्थान की बात करें तो अपने यहाँ 15-15 बच्चों के रिजल्ट पेपर दिखा सकते हैं जिनके टॉप नंबर थे, आज सुबह वो बच्चे कोचिंग नहीं आई, ऐसा पहली बार हुआ है। एग्जाम होते दिन बच्चे आते हैं पेपर मिला के जाते हैं, आज उनको आना था, घर से ही फ़ोन कर रहे हैं सर अब कब होगी क्या होगी। अब पहली बात तो ये बताओ जब पेपर आउट ही करना था तो कम से कम टीचरों को ये तो किसी ना किसी मैसेज द्वारा पहुँचाते कि आगे कब होगी ये तो बताएं, अब उनको क्या जवाब दें, कल होगी परसों होगी 2 महीने 5 महीने बाद। सरकार की कोई पारदर्शिता नहीं है, मजाक कर रखा है बच्चों के साथ। आजकल जब पापा बात करा कि पेपर की बोदली लागे है तो यह कितनी शर्मनाक सी बात है। देखो सर यूँ बड़ी शर्मनाक बात तो कोई और हो भी गुन सके, और ये बोली लागे ये बोली लागण सरकार के साथ साथ है। आपा बात करें तो जगह संचालक है भी लिप्त थी, छोटी सी आपने घर हूँ ये कील भी आउट हुए तो अपन यहाँ ध्यान लाग जाए कि कौन ले जा सके तो पेपर तो बहुत बड़ी सुरक्षा में आगे निगरानी पुलिस वगैरह का सारा काम होता होगा, फिर भी पेपर आउट कराऊँ तो एक आदमी की बात को नहीं टोटल की मिली भगत है, और यह मिली भगत शायद यहाँ लगा कि ऐ चले तो दूर हो भी गुन सके।
इकले हर आदमी ने स्वरोजगार खोजना पड़ेगा और वो खोज लेगो ठीक रहेगा। मैं आप बात करा कि जब बच्चों कोई पढ़ा है इस हिसाब से जहाँ पे पेपर लीक हो जाए थे भी टावर पढ़ाओ हो तो कोई टावर जब पढ़ाई का दौर में हो तो सबसे ज़्यादा वो एक टीचर का नज़दीक हुआ है और इस हिसाब से जहाँ पेपर लीक हुए ही और बाग टावरा को मनोबल भी गिरा है मेंटली पे प्रेशर में भी आवे ही तो टावरा ने जाए कि हद से पे गुजरे ही कितनी बार परेशानी हुआ थारो के ऊपर के मान लो परेशानी है बच्चों दो चार महीना अच्छी मेहनत करे और मेहनत करने के बाद मुझे लास्ट में पेपर लीक हो जा तो परेशानी परेशानी है क्योंकि बच्चों जहाँ गाँव सू अगर शहर में आ रहे है तो अभी कोई बस किराया भी लागा है और कई बच्चा जहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं तो अब भाई रूम किराया है हॉस्टल वो खर्चों वो भी लागा है और कोचिंग की फीस भी लागा है और लास्ट में जाके बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करे और मेहनत करने के बाद में जब रिजल्ट भी को यो मिला कि पेपर लीक हो तो वह बच्चा ने बहुत तकलीफ हुआ गार्जन ही बहुत तकलीफ हुआ है क्योंकि पिसो बहुत दरिया कमाया जा है अभी बहुत दरिया बच्चा पढ़ा पा रहे हैं तो मतलब बहुत समस्या है। आर्थिक स्थिति में जब आप बात करें कि पिसो को तो नुकसान हुआ ही हुआ है साथ में मानसिक तौर पर भी वे कितना के परेशान हो मानसिक तौर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए ही और कई बार आप देखा है कि जय मान लो बच्चों कई बार कोई सुसाइड भी कर ली है ऐसी स्थिति भी सामना आ जाए है ना बच्चों आर्थिक के लास्ट हो सके अपन तैयारी कौन करनी क्योंकि यह सबसे बड़ी समस्या तो गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट बार बार पेपर लीक कर जाए पीछे रीट को पेपर हो और अब की बार लगे राजस्थान पेपर कौन लीक हुआ है पुलिस को लेकिन फिर भी लास्ट में जाके हो लीक हो गो जो सामने यह चीज़ कि भाई कौन सी पारी बस सेकेंड पारी कौन सी पारी हाँ बी के अंदर पेपर लीक हो गो तो हमारे पास भी बच्चे हैं जो अभी 11वीं श्रेणी तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दी है तो वो सब कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छी तैयारी की है फिर से लीक हो गया फिर से पेपर होगा वापस जाना पड़ेगा फिर से किराया लगेगा। अब मन जाए थे बताओ कि जाए कोई टाबर को मान लो कि लास्ट चांस हो है वो भी को पेपर यो पेपर बढ़िया हो और रद्द होने की वजह से दोबारा पेपर हो वो ठीक नहीं हो पाए अभी की उम्र निकल गई तो बिन जो को जो तकलीफ हुआ है अभी को जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार सरकारी है भी जिम्मेदार भाई गवर्नमेंट ही है उसका लास्ट मतलब उसके पास अटैम्प्ट बचा हुआ है और फिर पेपर लीक हो जाता है तो जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है ना उसको फिर से मौका दिया जाएगा। अपन देख रहे हैं कि ये पीछे जो भर्तियाँ नहीं आ रही एयरफोर्स नेवी की भर्तियाँ नहीं आ रही आर्मी की भर्ती नहीं आ रही बच्चे और एज हो गए तो आज बहुत ज़्यादा परेशान पीछे को एक लड़का वो फांसी खा के मरा था तो स्थिति खराब होती जा रही दिन प्रतिदिन। गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे और बच्चों के हित में काम करे और भ्रष्टाचार को खत्म करे। तो वीडियो पूरा देखने वाला थाने के लगा है कि एक पीछे की जिम्मेदारी है पेपर लीक हो जाए बार बार एक पीछे जिम्मेदारी की है और इसके लिए सरकार ने जो है वो क्या ध्यान देने की जरूरत है थारी जी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करो मत भूलो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए करने ये घंटी को निशाने पर दबा लियो ताकि हमारा आवड़ा वीडियो थोड़ा हाथों हाथ मिल जाए। जलको झुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।